हरि ओम श्री राम अंबद्य। मैं अनुराधा वीरा विजय सिंह गुरु, उपासना केंद्र नाइजीरिया। मेरा जो आज का अनुभव जो मैं कथन करने जा रही हूँ, मेरी बेटी के बारे में है। मैं अबू धाबी में रहती थी 2003 में। तो उस समय मेरे पहले प्रेगनेंसी का टेस्ट करने के लिए मैं वहाँ के कॉर्निश हॉस्पिटल में गई हुई थी। तो वहाँ पे जब मैंने टेस्ट के लिए वो दिए, सैंपल्स दिए और मेरा रिजल्ट लेके आई मैं हाथ में, मेरा नेक्स्ट डे मेरा नए जॉब का ज्वाइन करने का था। तो मैं वो रिपोर्ट खोल के देखने, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी मेरा रिपोर्ट खोल के देखने की। तो जैसे मैंने लिफाफा हाथ में लिया और मैं गैनेक को मिलने के लिए उनके केबिन की तरफ जा रही थी, वहां पे एक नर्स दौड़ के आई और दौड़ के उसने मेरे हाथ से लिफाफा लिया, उसने ओपन किया, उसने वो खोला पढ़ा और जोर से वो चिल्लाने लगी, मबरूक मबरूक, मतलब अरेबिक में कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं समझ गई कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। जैसे उसने मबरूक बोला तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि बापू, अभी आपके आशीर्वाद से ये रिपोर्ट पॉजिटिव है और ये जो बेबी है उसका आपका, मतलब उसका जो भी जिम्मेदारी है, पूरा जिम्मेदारी आपका, इस बेबी के ऊपर पहला हक आपका रहेगा हमेशा, और आपके बाद एज एन मदर एंड फादर हम लोग का रहेगा, लेकिन इसका पूरा जीवन आपको समर्पित। ऐसे मैंने बापू को मन ही मन में तुरंत बोल दिया। उसके बाद मैंने विजय सिंह को फोन करके बोला कि रिपोर्ट इज पॉजिटिव, तो बहुत खुश हो गए। उसके बाद वहां पे ही मेरा डिलीवरी होना था, तो मैं अबू धाबी में ही रह रही थी। तो जैसे मेरा सब कुछ ठीक था, एक भी गोली कुछ नहीं, सब बापू के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही मेरा 9वां महीना लगा, हम लोग थर्सडे किसी के घर पे पादुका पूजन था तो वो खत्म करके घर जा रहे थे, तो एक्सरसाइज करना डॉक्टर ने बोला था इसलिए हम चल के जाने का सोचा। तो हमारी गलती ये थी कि हमने जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस नहीं किया, रात का टाइम था, रोड सुनसान था, तो हमने बीच में ही रास्ता हमने क्रॉस किया। और जैसे मैं डिवाइडर पे चढ़ी और चढ़ी और उतरने के टाइम पे पता नहीं क्या हुआ कि एकदम तुरंत से मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं पेट के बल पे जोर से गिरी। जैसे गिरी मेरा चश्मा जो है मेरे चेहरे से निकल के सामने गिरा, और मैं जैसे गिरी पेट पे गिरी तो मैं डर गई और वैसे ही मैंने रोड की तरफ देखा तो वहां पे 110 120 की स्पीड से गाड़ियां चल रही और सामने से गाड़ियां आ रही थी। तो वहां पे कोई नहीं था रोड पे, बट 15-20 फुट की दूरी पे एक इंसान कहाँ से आ गया। उसने वो देखा कि मैं गिरी हुई हूँ, उसने अपने हाथों से इशारा करके ट्रैक चेंज करके गाड़ियों को उसने थर्ड और फोर्थ ट्रैक में डाइवर्ट करके भेज दिया। मतलब एक बहुत बड़ा संकट कि मैं गिर गई थी, प्रेगनेंसी में गिर गई थी, 9वें महीने में गिर गई थी, ऊपर से गाड़ियां भी चल रही थी। तो वो जो इंसान था वो बापू ही थे, उन्होंने गाड़ियां भी डाइवर्ट करी और मैं जैसे मैं होश संभाला, कुछ समझ में आया कि कुछ तो हुआ है, मैंने उठने की कोशिश की बट मैं उठ नहीं पा रही थी, मेरे पैर में बहुत जोर से मोच आई हुई थी। और विजय सिंह और हमने बापू को आवाज दी कि बापू आप ही देख लो, और उनकी सहायता से मैं उठी और फिर कैसे भी एक टैक्सी को रुकवा के मैं टैक्सी में बैठ के घर आ गई। बापू को ही बोल रहे थे कि बापू आप ही देख लो। और उसके बाद नेक्स्ट डे हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में सारे टेस्ट वगैरह डॉक्टर ने चेक किया, सोनोग्राफी किया, बोला बेबी इज ऑल राइट, कुछ हुआ नहीं है, बहुत सेफ है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पैर में मोच आई है, बट उसका हम एक्सरे नहीं कर सकते ऐसे, इसमें आपको प्रिकॉशन लेके 15 दिन का कंपलसरी बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। तो मैं दोनों लोगों के कंधों पे चल के 15 दिन मैंने जो भी मेरा डेली नीड था वो मीटअप करके मैं रेस्ट करके मैं ठीक हो गई। उसके बाद मेरा डिलीवरी अबू धाबी में हो गया। उसके बाद मैं 1.5 महीने का जब बेबी था तो मैं इंडिया चली आई, और 6 महीने के बाद विजय जी का एनुअल लीव था तो वो इंडिया आ गए। जैसे वो इंडिया आ गए, हम रामनाम बैंक में रामनाम बुक जमा करने के लिए चले गए। चले गए, थर्ड फ्लोर पे ऑफिस था, हम जैसे ही वहां पे एंटर किए, वहां के जो वॉलेंटियर्स थे उन्होंने बोला कि अभी बापू आने का टाइम हुआ है, आप एक साइड में जल्दी से हो जाओ तो आपको भी दर्शन हो जाएंगे। तो हम लोग बहुत खुश हो गए कि साल में एक बार ही बापू का दर्शन मिलता है जब हम छुट्टी पे आते हैं, तो हम तुरंत एक साइड हो गए और बापू का इंतजार करने लगे। 10 सेकंड के ही अंदर बापू लिफ्ट का दरवाजा खुला और बापू सामने से एकदम रॉयल एंट्री बापू ने ली और चल के सामने से मेरी तरफ ही आए, और मेरी तरफ देख के बापू ने बोला कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बोले, हाथ उठा के आशीर्वाद दिया और चले गए। अब मैं बहुत खुश थी कि बापू दिख गए, दर्शन हो गया, बापू ने मेरे से बात भी की, आशीर्वाद भी दिया, तब तक तो बहुत खुशी में बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली, जो बापू ने मेरे से बात की थी उसके ऊपर मेरा फोकस गया कि चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो मैं सोचने लगे कि बापू ने किस बारे में मुझे आगाह किया कि क्या चिंता मत कर, क्या होने वाला है, मतलब अपना मन जो सोचने लगता है वो शत्रु भी नहीं सोच सकता। इतना बुरा बुरा ख्याल मन में आने लगा, ये होगा क्या, वो होगा क्या, ऐसे होगा क्या, वैसे होगा क्या, तब मेरा फोकस गया कि बापू ने क्या बोला है, चिंता मत कर मैं ठीक कर दूंगा, और मैं क्या कर रही हूँ, उनकी जो बोला हुआ बात है उसके अपोजिट में कर रही हूँ, मैं चिंता किए जा रही हूँ, मुझे वो नहीं करनी चाहिए, जबकि उन्होंने बोला है मैं ठीक कर दूंगा, तो आई शुड वरी।
तो मैंने वो दिमाग से ख्याल निकाल दिया और मैं एकदम शांत हो गई। मैंने बोला बापू है ना, देख लेंगे, बोला है ना, बस वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने सब वो दिमाग से सब ख्याल निकाल दिया। उसके बाद मैं ये चीज भूल गई। जब बेबी मेरा 6 महीने का था तब, और उसके बाद टाइम निकलता गया, 10 महीने का जब बेबी हुआ मेरा, तो हम लोग मेरे मम्मी के घर में चली गई थी छुट्टियों के लिए। तो जैसे मम्मी के घर गई थी, मैं उसको हमेशा आंखों के सामने रख रही थी कि पहला बच्चा है, ध्यान देना है, संभालना है ठीक से। तो ऐसा हुआ कि उसने पैंट गीली कर दी थी, तो उसको चेंज करने के लिए मैं अपने कबर्ड में से उसका कपड़े लाने के लिए मैं बस चली गई थी। जैसे मैं कबर्ड तक पहुंची हूँ, मुझे आवाज आई कि वो बोल रही है आ ऐसे। तो मैं समझ गई कि शायद वो टेबल के नीचे गई है, वहां खड़ी हो गई है, और उसका अभी फंस गई है वो टेबल के नीचे, और उसको बाहर आने नहीं हो रहा है, तो वो चिल्ला रही है। तो मैं दौड़ के गई, दौड़ के मैं बेडरूम से हॉल, हॉल से ऑफिस के रूम में गई, देखा तो सामने, मतलब इमेजिन भी नहीं किया था, वो करंट का इन्वर्टर का वायर हाथ में लेके ऐसे 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 हिल रही है। अब 10 महीने का बेबी करंट का वायर शॉक खा के वो हिल रहा है शॉक में, और उसकी वजह से उसको बोलने भी नहीं हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मतलब इतना कि कुछ समझने से पहले मैं दौड़ी वहां पे। मैंने बापू का बस वो सेंटेंस मुझे उस टाइम 4 महीने बाद मुझे वो याद आया कि तू चिंता मत कर, मैं ठीक कर दूंगा। ये वही इंसिडेंट है जिसके बारे में बापू ने मुझे 4 महीने पहले बोल के रखा था। मेरे आंखों से बस आंसू बह रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इधर उधर लकड़ी वकड़ी कुछ नहीं था। मैंने जोर से बापू का नाम लेके वो वायर हाथ में लिया, जोर से फेंका, उस सेकेंड में मैं हिल गई, इतना जोर से वो शॉक था। पता नहीं मेरे बच्चे के ऊपर क्या गुजर गया होगा कि वो 10 महीने का बेबी जो चलना सीखा, हाथ में करंट का वायर लेके हिल रहा था इतने टाइम से। तो मैं उसको लेके उठा के दौड़ कर एकदम नजदीक के जो हॉस्पिटल थे वहां पहुंच गई, जोर से चिल्ला के सबको बोला हटो हटो मुझे जाने दो, इमरजेंसी है। मैं केबिन में घुसी, टेबल पे जो पेशेंट था उसको हटाया, मैंने बेबी को वहां रखा, डॉक्टर को बोला डॉक्टर इसको शॉक लगा, तुरंत उसको ट्रीटमेंट दे दो शॉक का। तो डॉक्टर ने पहले बोला कि क्या हुआ, कहाँ लगा, मैंने बोला वो पता नहीं है, उसने हाथ में वायर पकड़ा था, वो हिल रही थी, और जैसे तैसे मैंने वायर को फेंक दिया, मैं उसको लेके आई हूँ आपके पास, 2 दिन 2 4 मिनट पहले ये सब हुआ है। तो डॉक्टर ने उसको चेक किया, उसके हार्ट बीट चेक किया, सब कुछ ठीक था। डॉक्टर ने बोला ये आप बताओ कि आप मायके में हो कि आप ससुराल में हो। मैंने बोला ये क्या सवाल है, इसका मतलब क्या मतलब है। तो बोले कि ये हाथ उसका देखा है कि आपने, उसका हाथ चला है, उसके हाथ में गड्ढे पड़े हुए हैं, उसका बोन्स वाइट वाइट जो दिख रहा है, उसके बोन्स दिख रहे हैं, हाथ में इतने बड़े चना डाले थे जितना, इतने छोटे बच्चे के हाथ में खड्डे पड़े हुए, 3 3 उंगलियों पे खड्डे हैं, तो आप कैसे बोल रहे हो कि इसका तो तवे पे या तो फायर पे जला हुआ है इसका हाथ। तो मैंने बोला नहीं डॉक्टर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे पता है ट्रीटमेंट अलग होता है शॉक का, आप उसको शॉक का ही ट्रीटमेंट दीजिए, उसने वायर ही पकड़ा है। तो ये सुनने के बाद डॉक्टर बोले कि आई बिलीव यू, बट ये नहीं बिलीव कर पा रहा हूँ कि आपके ऊपर किसी का तो हाथ है, किसी का तो आशीर्वाद है, वरना इतना छोटा बच्चा इतना शॉक खा के उसकी उंगलियां जल रही है, हड्डियां दिख रही है, लेकिन बच्चा फिट एंड फाइन है, हार्ट बीट नॉर्मल है, ये हमारे साइंस में समझना मुश्किल है ना। 2 3 सेकंड का शॉक इनफ होता है 10 महीने के बच्चे में, जिसने लेफ्ट हैंड में दाई तरफ जिस जहाँ पे हार्ट होता है वहां उसने हाथ में पकड़ के भी बच्चा ठीक है, हम समझ नहीं पा रहे। तो उन्होंने मेरी बात पे विश्वास करके उसके शॉक का ही ट्रीटमेंट का उन्होंने मुझे वो लिख के दिया, दवा वगैरह सब कुछ, और उन्होंने बोला कि इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखो, 3 दिन के लिए उसको ऑब्जर्व करो। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्ट ऑफ द हार्ट डैमेज हो सकता है और बाकी जो फंक्शनिंग होता है उसके ऊपर पर्सन वो जी जाता है। तो उन्होंने बोला आप सिम्टम्स के लिए उसको ऑब्जर्व करो। तो 3 दिन मैंने उस टाइम ही उनको बोला कि बिना कुछ मालूम हुए अगर आप ये बोल सकते हो कि मेरे सर पे किसी का हाथ है, तो पक्का मेरे डैड का हाथ मेरे सर पे है, जिनको जिन्होंने मुझे पहले से ही बोला है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और चिंता मत कर, ये उसी का प्रत्यय है कि ये बच्चा ठीक है। तो मैंने बच्चे को उठाया, 3 दिन ऑब्जर्व किया, शी इज फिट एंड फाइन, उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ अलग ट्रीटमेंट की किसकी जरूरत नहीं पड़ी। आज वही बेटी मेरी 18 साल की है, वो अभी IVDP का कोर्स कर रही है, वो हॉस्टल में पढ़ रही थी कोरोना काल, 2 साल में उसको बापू ने पूरा प्रोटेक्शन दिया है, कुछ भी चिंता का वो होने नहीं दिया। और जो मेरे दिमाग में उसका जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट आया था, तब जो दिमाग में आया था कि बापू इस बच्चे का पूरा लाइफ आपको समर्पित है, आप इसके जिम्मेदारी आपकी होगी, इसके ऊपर आप जैसे आपको चाहिए उसका लाइफ आप उसको बनाव करो, तो ये क्यों आया था, क्योंकि ये सब होना था और ये सब बापू ने मेरे से बुलवा के बिफोर टाइम लिया, उसका अनुभव दिया। तो बापू को जितना भी हरिओम श्री राम अम्बर ने जितना भी बोलू कम है, नाथ संवित नाथ संवित नाथ संवित।